हेलो क्लास सेकेंड, सब्जेक्ट आपका कंप्यूटर्स, लेसन हमारा फिफ्थ कैलकुलेटर प्रोग्राम। सो ओपन योर बुक्स। कैलकुलेटर प्रोग्राम आपका कंप्यूटर में आपको मिलता है, एक एप्लीकेशन जिससे कि आप अपनी कैलकुलेशन करते हैं और उसी तरीके से आपने अपना कंप्यूटर ऑन करना है जिस तरीके से आप और प्रोग्राम्स भी ओपन करते हैं, जिसमें हमने अब तक किया है इरेजिंग द नंबर्स, किस तरीके से हम बैक स्पेस से अपने नंबर्स को, डिजिट को, जो भी गलत हुआ है उसको इरेज हम कर सकते हैं। क्लीन द डिस्प्ले एरिया, यानी कि आप एक ही बार में अपनी डिस्प्ले एरिया जहाँ पे आपको रिजल्ट और नंबर शो होते हैं उसको आप एक बार में ही क्लियर साफ करना चाहते हैं या वहाँ से हटाना चाहते हैं, तो आप कौन सा बटन इस्तेमाल करेंगे, क्लियर बटन। एडिशन, आप नंबर्स, जितने भी आप नंबर्स, जितनी बड़ी डिजिट आप ऐड करना चाहते हैं उसके लिए आप इस्तेमाल करेंगे प्लस का साइन, प्लस का बटन, और इक्वल्स टू करने के बाद आपको रिजल्ट क्या हो जाएगा, आपका डिस्प्ले एरिया में आपको दिखाई देगा। इसी तरीके से सब्ट्रैक्ट करने के लिए, घटाने के लिए आप क्या करेंगे, माइनस बटन का इस्तेमाल करेंगे और किसी भी डिजिट को आप माइनस कर सकते हैं, इक्वल्स टू आपको आंसर शो करेगा। मल्टीप्लिकेशन के लिए आपने गुणा करने के लिए एस्ट्रिक्स का आपने इस्तेमाल करना है, एंड डिवीजन के लिए कहीं पे अभी आपको मल्टीप्लाई का ऐसे भी साइन मिल सकता है आपको बटन, और आपको डिवीजन के लिए इसका सिंबल भी आपको मिल सकता है, लेकिन अगर कहाँ पे नहीं है तो मल्टीप्लाई के लिए आपने एस्ट्रिक्स दबाना है, बटन को प्रेस करना है, एंड डिवीजन के लिए ये आपका जो स्लैश है इस तरीके से, इसको आप क्या करेंगे, डिवीजन के लिए आप इस्तेमाल आप करेंगे। तो लास्ट वीडियो में हमने एक क्वेश्चन भी किया था जिसमें चॉकलेट की कीमत हमको बताई गई थी और 15 चॉकलेट की कीमत हमने बतानी थी, जिसमें हमने किया था इसमें मल्टीप्लाई। सो ओपन योर पेज नंबर 45। आई हैव 1534 कैंडीज विद मी, आई हैव टू डिस्ट्रीब्यूट दैम इक्वली अमंग 13 फ्रेंड्स, हाउ मेनी कैंडीज शुड आई गिव टू ईच फ्रेंड। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि मेरे पास 1534 क्या है, कैंडीज हैं, और मुझे इक्वली यानी कि बराबर हिस्सों में 13 दोस्तों को क्या करनी है, बांटनी है, तो हर एक दोस्त के पास कितनी चॉकलेट्स या कितनी कैंडीज उसको मिलेगी, हर एक बच्चे को, हर एक फ्रेंड को कितनी कैंडीज मिलेंगी। तो हमें एक बच्चे एक का बताना है, तो आपको बताया ईच का बताना है, तो इसमें हम क्या करते हैं, डिवाइड। तो जो नंबर है किसको हमने डिवाइड करना है, जो 1534 है, एंटर द नंबर, एंटर करेंगे 1534, देन क्लिक ऑन द माउस ऑन स्लैश बटन। अगर आपका डिवीजन का बटन है वहाँ पे आप, तो आप डिवीजन को प्रेस करेंगे, क्लिक करेंगे, ठीक है। एंटर 13, जिससे आपको डिवाइड करना है, जिस नंबर से, वो हमने एंटर किया, एंड देन क्लिक द माउस ऑन द इक्वल्स टू बटन, एंड देन आप क्या करेंगे, इक्वल्स टू का क्लिक करेंगे, इक्वल्स टू के बटन में, एंड द आंसर जो आपका है 118 विल बी डिस्प्लेड इन द डिस्प्ले एरिया। तो आपका जो आंसर है वो कहाँ पर आ जाएगा, आपका डिस्प्ले एरिया में। तो ये जितनी भी कैलकुलेटर प्रोग्राम है हमारा, इसमें जितने भी आपके क्वेश्चंस हैं, कैलकुलेशन आप इसमें करेंगे, जो भी आप नंबर लेना चाहते हैं, डिविजन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, ये आप सब करेंगे। अब क्या है नेक्स्ट, आपका एग्जिटिंग कैलकुलेटर प्रोग्राम। अब कैलकुलेटर प्रोग्राम से आप बाहर जाना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, सेम वैसे ही करना है जैसे कि आप अदर प्रोग्राम्स में करते आए हैं। टू एग्जिट फ्रॉम द कैलकुलेटर क्लिक द माउस ऑन द क्लोज बटन, टू द क्लोज बटन इज लोकेटेड ऑन द राइट साइड ऑफ द कैलकुलेटर विंडो। आप बाहर जाना चाहते हैं कैलकुलेटर प्रोग्राम से, किसकी विंडो से, तो आप क्या करेंगे, क्लोज बटन जो आपको दिखाई दे रहा है आपका यहाँ पर राइट साइड में होता है टाइटल बार पे, राइट साइड में आपको जो कंट्रोल बटन्स होते हैं उसमें आपको एक क्लोज बटन मिलता है, उसे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप अपने विंडो से क्या आ जाएंगे, प्रोग्राम से आप बाहर आ जाएंगे। तो ये एक्टिविटी आप सारी जितने भी अब तक हमने किया है, इसमें सब्ट्रैक्शन, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, इस तरीके से आपके क्वेश्चंस होंगे, आपके मैथ्स की बुक में आपके बहुत सारे वर्ड प्रॉब्लम्स हैं, इनको आप करके देखेंगे, क्वेश्चंस हैं उन्हें भी आप प्रैक्टिस करके देखेंगे एक बार कैलकुलेटर का यूज़ करते हुए। सो थैंक यू क्लास।